तो यार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आपने स्ट्रेंजर थिंग्स पे बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आ गए दोस्तों बिल्कुल ये एक नया नवेला वीडियो। और ये जो वीडियो है वो बाकी वीडियोस की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसे अकेले वीडियोस में लेटेस्ट फैन थ्योरीज के साथ न्यूज की भी बात की जाएगी। तो यार आई थिंक इतना ओवरव्यू इस वीडियो के लिए काफी होगा। बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं जहाज़ों वीडियो की शुरुआत। सीजन 5 के लिए हमारी पहली थ्योरी निकल कर आती है टाइम जंप से रिलेटेड, जो कि दोस्तों हम पिछले कुछ सीजन्स में ऑलरेडी टाइम जंप देख चुके हैं सीजन दर सीजन। वहीं दोस्तों यहाँ पर कई ऑनलाइन साइट्स पर ऐसी कुछ बातें हो रही हैं कि सीजन 5 में हमको एक बहुत बड़ा टाइम जंप भी देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से ये थ्योरी सर्कुलेट हो रही है, होना हो आने वाले सीजन में डफर ब्रदर्स इसको एग्जीक्यूट करने ही करने वाले हैं। अब स्ट्रेंजर थिंग में नेचुरल प्रोजेक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर टाइम गेप्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब वहीं सीजन 1 की बात की जाए तो वो नवंबर 1983 में एस्टेब्लिश था। सीजन 2 की बात की जाए तो वो था अक्टूबर 1984 में। सीजन 3 की दोस्तों बात की जाए तो वो था जुलाई 1985 में। और यहाँ पर फाइनल सीजन जो था वो मार्च 1986 में एस्टेब्लिश था। अब जरा दोस्तों इन गेप्स को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए, सारे सीजन्स के बीच में सिर्फ एक एक साल का ही गेप दिया हुआ है। वहीं इस लॉजिक के अनुसार अगर चला जाए तो अगला सीजन यानी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 जो होने वाला है वो 1987 में बेस्ड होने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1988 में हो। अब यार दोस्तों आपको भी पता है कि हमारी कंट्री में टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन आज भी फॉरेन कंट्रीज में टिकटॉक चल रहा है। उसी एक टिकटॉक के यूजर ने इस चीज को थियोराइज किया है कि सीजन 5 की जो टाइमलाइन है वो इन दिए हुए ईयर गैप्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इस बार ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा टाइम जंप देखने को हमको मिले। वही दोस्तों अगर कई थियोरीज को फॉलो किया जाए तो हम ये भी पाते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 जो है वो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड स्टोरी लाइन को फॉलो करने वाला है। हो सकता है दोस्तों इन कैरेक्टर्स के बीच में एज की डिस्प्रेसी हो जाए, और कई जगहों पे दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके का टाइम जंप स्टोरी के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ भी करते। पर दोस्तों यहाँ पर मेरी थ्योरी तो यही कहती है कि इसकी स्टोरी आगे की तो होने ही वाली है, लेकिन पीछे की कहानी को भी थोड़ा थोड़ा बताने वाली है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर वेकना की कहानी को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, सारी कहानी को दोस्तों हमको एक्सप्लेन कर बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। अब हम जैसे कि सब जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग का ये जो सीजन है वो आखिरी होने वाला है, तो ये अपने टाइटल स्ट्रेंजर थिंग को पूरे तरीके से क्लियर करके ही जाने वाला है। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। वही स्ट्रेंजर थिंग ने इस चीज का ऑलरेडी क्लू दे चुके हैं कि इसका टाइम जंप जो है वो फॉरवर्ड की तरफ होने वाला है। अब जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग भले ही कितना स्ट्रेंजर बनने की कोशिश कर ले, लेकिन अपनी फैंस की कंस्पिरेंसी थ्योरी से कभी भी स्ट्रेंजर नहीं रह सकता। वही दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग की अगर टाइम ट्रेवल थ्योरी के ऊपर आपसे बात की जाए तो कई क्षणों के लिए दोस्तों हमको ऐसा भी लगता है कि 11 और उसकी गैंग टाइम में वापस जाने वाले हैं ताकि वो हॉकिंस को बचा सके, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि एपिसोड के एंड में पूरे तरीके से हॉकिंस तबाह हो चुका है। तो कोई अगर दोस्तों एकमात्र रास्ता बचता है हॉकिंस को बचाने का तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम ट्रेवल ही है, बाकी और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। और दोस्तों अगर आपके दिमाग में हॉकिंस को बचाने का कोई रास्ता है तो उसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिए। वहीं हमको सीजन 3 के दौरान एक टाइम जंप का क्लू और मिला था, जब स्टारकोट मॉल में बैक टू द फ्यूचर हमको दिखाई जा रही थी। हो सकता है कि यहाँ पर इसी समय से कहानी को फिर से दिखाया जाए। और वहीं दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि बैक टू द फ्यूचर जैसी बड़ी फिल्म स्टारकोट मॉल में दिखाना एक छोटी मोटी चॉइस होने वाली है या रैंडम चॉइस होने वाली है। वही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 7 के दौरान नैन्सी को ये भी रियलाइज होता है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड जो है वो पास्ट में कहीं फंस चुका है। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय की जो एग्जैक्ट डेट थी वो भी गायब हो चुकी थी। ये पहले ही इस बात पर जोर देता है कि वेकना को हराने का जवाब पास्ट में छुपा हुआ है। वही न्यू स्नैप जिन्होंने कि विल वायर्स का रोल किया हुआ है, उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को टीज करते हुए ऐसा कहा है, विगन्स विद विल एंड विल एंड विद विल। और जिस तरीके का कॉन्सेप्ट एवेंजर एंड गेम में यूज किया गया था, जहां पर थेनोस को हराने के लिए टाइम ट्रेवल का यूज किया गया था, वही ऐसा भी हो सकता है कि वेकना को हराने के लिए फिर से टाइम में वापस जाना पड़े, क्योंकि वेकना ने बहुत सारी तबाही ऑलरेडी मचा चुका है जिसको कि रिकवर अभी करंट स्टोरी लाइन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और तो दोस्तों ये जो टाइम ट्रेवल के रेफरेंसेस हैं ये यहाँ पर खत्म बिल्कुल भी नहीं होते। सीजन 4 एपिसोड 9 के दौरान जब मैक्स मेफील्ड मर जाती है, जो कि एक्चुअल में मरती नहीं है, वो दो स्टेट्स के बीच में अभी भी फंसी हुई है, यानी कि
कॉमर। वहीं दोस्तों पर वेकना, हेनरी क्रेल या पर 001 की यहाँ पर कभी भी बात की जाती थी तो एक घड़ी बहुत ज्यादा कॉमन होती थी जो कि इसके दादाजी की थी। और बहुत बार इस टिक टिक को हमने बैकग्राउंड में भी सुना हुआ है। और वेकना ने नैन्सी को भी इस चीज को एक्सप्लेन कर बताया हुआ है कि उन्होंने नेचर्स के प्रति खुद के रूल्स कैसे बनाए हुए हैं और इन रूल्स को मैनिपुलेट करने का हक सिर्फ वेकना और 11 को ही है। याद होगा दोस्तों, अब हेनरी क्रेल सिर्फ 11 को ही अपनी टीम में लेना क्यों चाहता था। वहां पर दोस्तों हॉकिंस के लैब में इतने सारे बच्चे थे लेकिन इसके बाद भी वो सर 11 को ही क्यों लेना चाहता था, क्योंकि दोस्तों वेकना को ये बात पता थी कि 11 और वो मिलकर ही इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, इस दुनिया के रूल्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 11 नहीं मानी तो उसको अकेले ही ये सब करना पड़ा। वहीं दोस्तों एक डिटेल बिहाइंड द सीन से और निकल कर आती है जिसमें कि एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली ये है कि स्ट्रेंजर थिंग क्रिएटर्स ने इस बात पर अफसोस जताया है कि कैसे स्ट्रेंजर थिंग सीजन 4 और 5 के बैक टू बैक शूट करने में वो असमर्थ थे। जैसे कि उन्हें अपने शूट्स को प्लान किया था उस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार दोस्तों ये जो टाइम ट्रेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 11 पर बेस नहीं होने वाला है। जैसे कि दोस्तों अपने हॉकिंस की लैब में हमने छोटी सी 11 को देखा था दोबारा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में, अब हो सकता है कि दोस्तों सीजन 5 में हमको सारे बच्चों का छोटा वर्जन दोबारा दिखाया जाए। और उस वर्जन की शूटिंग पहले तो बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, इसका मतलब इसका VFX बहुत ही ज्यादा महंगा बनने वाला है इस बार। और टाइम ट्रेवल की जो थ्योरी है वो बहुत हद तक सही भी साबित हो जाती है। दोस्तों आप सब लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रेंजर थिंग की सीजन 5 की जो टाइमलाइन है मैं उसको सिर्फ बैकवर्ड जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ये सिर्फ प्रेजेंट की टाइमलाइन भी तो हो सकती है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें वेकना ने बर्बाद कर जा चुका है, ऑलमोस्ट सारा हॉकिंस ही बर्बाद कर जा चुका है, तो स्टोरी का दोस्तों प्रेजेंट में रहने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता। और अगर प्रेजेंट में स्टोरी नहीं चल रही है इसका मतलब फॉरवर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और चलिए दोस्तों अगर मान लेते हैं कि प्रेजेंट में स्टोरी चलती भी है तो वेकना जितनी देर तक घायल है उतनी ही देर तक हमको टाइम मिलने वाला है कि रियल वर्ल्ड में कुछ फेर बदल कर सके। और ये फेर बदल करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की कर सकती है, वो है 11। वही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 1 का पूरा नाम भी आ चुका है जो कि है द क्रॉल, जिसमें कि वेकना की पूरी आर्मी को बताया जाए। लेकिन दोस्तों वेकना को हराना इस बार इतना आसान भी नहीं होने वाला है। सीजन 5 की एंडिंग के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से कैरेक्टर्स की यहाँ पर डेथ भी हो जाए। और पूरा टाउन तो दोस्तों ऑलरेडी तबाह हो ही चुका है। अगर दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे जाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। तो है दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही, लेकिन दोस्तों आपको अगर थ्योरीज इनमें से कोई वैलिड लगी हो तो उसके टाइम स्टैम्प को मेंशन कर नीचे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों इन थ्योरीज को आपके हिसाब से किस तरीके से रिप्लेस करना चाहेंगे या कौन सी थ्योरीज में क्या सुधार करना चाहेंगे नीचे जाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।